हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में आपको बताने वाला हूँ मूचन, सोयन और लिंदोन आपस में कैसे मिलते हैं और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब जो लोग मिलते हैं। आखिर सोयन गॉड बनने के बाद कहाँ चला जाता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ती है मूचन को सोयन से मिलना पड़ता है और वहाँ पर लिंदोंग भी आता है। पूरी बात को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, मैं आपको पूरी बात एक्सप्लेन करूँगा। जैसा आप सभी लोगों को पता ही है, सोयन जहाँ पर था उस कॉन्टिनेंट का नाम दूधी कॉन्टिनेंट था और वो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में एक लोअर प्लेन था। यहाँ पर वो सारी हेवनली फ्लेम्स को कलेक्ट करने के बाद तो उसी जाड़े की मदद से एक पावर को इनरेट करता है जिसकी मदद से वो फ्लेम गॉड बन जाता है। पर वो जैसे ही वहाँ पर फ्लेम गॉड बनता है उसका बहुत ही बड़ा बैटल होता है हुन तिंदी के साथ, जो कि हुन क्लैन का लीडर होता है, और वही कारण होता है जिसकी वजह से सोयो क्लैन बहुत ही नीचे आ चुकी होती है। और भी कारण होते हैं, यही कारण नहीं होता पर ये मेन कारण होता है उनमें से एक। और इन सभी कारणों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मैं उसे बहुत जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। सोयन का बैटल हुनतिंदी से होता है, उसमें सोयन हुनतिंदी को कुत्ते की मौत मारता है और अपनी क्लैन का पूरा बदला ले लेता है और हुन क्लैन के एक भी आदमी को नहीं छोड़ता, सबका सफाया कर देता है एकदम क्लीन। एक तरह से देखा जाए तो वो वहाँ पर बहुत ही कर्रा स्वच्छ अभियान चला देता है। इन सबका सफाया करने के बाद सोयन देखता है कि उसकी जो मिस्टीरियस की है जो जहाँ पर वो रह रहा था वो खत्म हो चुकी है, जिसके चक्कर में उसे वहाँ से जाना पड़ता है। सोयन धोधी बनने के बाद वहाँ से जब जाता है और वो एक स्पेस रिफ्ट में से निकलता है जो कि वहाँ की स्पेस रिफ्ट को पूरी तरह से हिला के रख देता है। स्पेस रिफ्ट को आप लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आप बस इतना समझ लो जैसे कि आप किसी स्पेस रिफ्ट में घुसे और वहाँ से किसी और वर्ल्ड में निकले। ये स्पेस रिफ्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, आप इन्हें दूसरे नाम से भी जानते होंगे जो कि आपने दूसरे एनिमेशन में भी देखा होगा, इन्हें ट्रांसपोर्टेशन अरे भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आखिर ये ट्रांसपोर्टेशन अरे क्या है? जैसा कि मैं बता रहा था, स्वयं स्पेस रिफ्ट में से एकदम गॉड की तरह से निकलता है, पूरी आग में लिपटा हुआ और उसके ऊपर एक छोटी सी हंसी होती है। उसकी पावर ऐसे निकल रही होती है जैसे कि वो कोई मोनार्च हो और वो सिर्फ अपने पैरों के कदम से पूरी ज़मीन को हिला के रख दे रहा था। और जिस जगह पर ये पहुंचता है वो लोगोट क्लैन की टेरिटरी होती है, और मैं आपको बता दूं उसी लो क्लैन से लोली है जो कि ग्रेट रूलर में दिखाई जाती है। वहाँ पर सोयन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम लोथियन संग होता है। वो सोयन की बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को कन्वर्ट करने में उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। पर सोयन वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकता, उसका तो सिर्फ एक ही फंडा होता है, अपना काम बनता पहाड़ में जाए जनता। अपना काम करवाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और अपना जलवा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में बखेरना शुरू कर देता है और स्पिरिट फायर सेक्शन के जो ओल्ड एंसेस्टर होता है उसको मार देता है। ये सुनते ही पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में उसका नाम फैल जाता है फिल्म एम्परर के नाम से। फिर उसके बाद हमें कई सालों बाद दिखाते हैं कि सोयन शेषाओ को बचाने जा रहा होता है। वो वहाँ पर हेवनली ड्रेवारी मोनार्च के अटैक को आराम से डिसॉल्व कर देता है और उसको बड़े ही घातक तरीके से घायल भी कर देता है, और साथ ही में उसके पास जितनी भी डेमोनिक पावर होती है उसे अपना बुद्धा लोटस मारकर उसको भी ख़त्म कर देता है। और उसके बुद्धा लोटस की वजह से वहाँ पर जितनी भी जमीन थी वो बड़ी जोरों से हिल रही थी। वो वर्निंग डवार मोनार्च अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिसकी मदद से वो सोयन की नज़रों में नहीं आता और वहाँ से बचने की फिराद देखने लगता है। तभी वहाँ पर लिंदोंग आ जाता है और उसको अचानक से किडनैप कर लेता है। इसके बाद फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर जो कि सोयन और लिंदोंग होते हैं उसको हेवनली एम्परर के ऊपर छोड़ देते हैं, और इसी तरह से सोयन लिंदोंग से सबसे पहले मिलता है और इसी तरह से उनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जब सोयन लोअर प्लेन से आया था तब उसकी दोधी पावर को स्पेशल पावर में लोथिनशान ने कन्वर्ट किया था। ये जानने के बाद मूचन सोयन को बुलाता है। सोयन आने के बाद लोथिनशान की पावर को कन्वर्ट कर देता है और उसको हील कर देता है। मूचन उससे पूछता है कि वो उसकी मदद करेगा क्योंकि उसे लोली को बचाने जाना था। तभी हमें पहले स्टोरी के बारे में पता चलता है, सोयन और लिंदोंग बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब सोयन शेषाओ को बचाने गया था तब वे दोनों बन चुके थे। वो दोनों दो टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे, एक साउथ को करता था एक नॉर्थ को। जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे खतरे में, तब सोयन और वो लिंडोंग उनको बचाने के लिए वहाँ पर गए थे। तभी उन्हें वहाँ पर मूचन मिल जाता है और इसी तरह से वो तीनों मिलते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर हेवनली डीमन से लड़ते हैं। जब वे तिनों उस हेवनली डीमन को हरा देते हैं और शेषाओ और लिंडोंग को बचा लेते हैं, तो तब सोयन अपने पास एक लेटर देता है मूचन को, जिसकी मदद से वो सोयन को बुला सकता था, और उसी लेटर की मदद से मूचन ने सोयन को भी बुलाया था और सोयन ने लोथिनशान को भी हील किया था, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसके बाद सोयन मूचन के साथ लोली को भी बचाने गया था, जिसे बैटल एम्परर ने किडनैप कर लिया था। वो लोली को अपनी कॉन्कुबाइन बनाना चाहता था, पर सोयन और मूचन वहाँ जाकर उसके घावों को उड़ेल देते हैं और उसको पीट भी देते हैं। और इस इवेंट के बाद मूचन और लोली चिल्ड्रन ऑफ कॉन्टिनेंट के नाम से जाने जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही जानना काफ़ी है, और इससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अब लाता रहूँगा। और साथ ही मुझे ये भी बताएं कमेंट्स में कि मैं किस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट करूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।